कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट, लेकिन उनके बाद जानशीन कौन होगा? मुमकिन नाम सामने आ गए। नए आर्मी चीफ की तकरीरी के मामले पर मुल्क भर में बहस हो रही है। जब से ISPR के डायरेक्टर जनरल मेजर जनरल बाबर इफ्तखार ने वाजे किया है कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपनी मुद्दत मुलाजमत में तोसी नहीं लेंगे, तब से इस बहस में शिद्दत आई है कि जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद कौन आर्मी चीफ बनेगा। न्यूज़ के मुताबिक नए आर्मी चीफ के तौर पर चार नाम सामने आए हैं, जिनमें से कोई एक जनरल कमर जावेद बाजवा का जानशीन बनेगा। ये चार लोग लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान महमूद राजा और लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हमीद शामिल हैं। यहाँ ये बात काबिले जिक्र है कि चारों ऑफिसर 2019 में मेजर जनरल के ओहदे से तरक्की पाकर लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं। रिपोर्ट के मुताबिक जनरल कमर जावेद बाजवा के बाद पाक फौज के सबसे सीनियर अफसर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हैं। इनके बाद लेफ्टिनेंट जनरल अजहर अब्बास दूसरे, लेफ्टिनेंट जनरल नुमान मसूद राजा तीसरे और लेफ्टिनेंट जनरल फयाज हमीद चौथे नंबर पर सीनियर मोस्ट ऑफिसर हैं। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की सीनियरिटी को मद्देनजर रखते हुए कहा जा रहा है कि इन्हें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी में से एक ओहदे पर फाइज किया जाएगा। नाज़रीन मज़ीद खबरों और मुख्तसर मालूमाती वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा।